उसमें से आलम इस्लाम का जायजा था मौकफी हदारतिया इस्लाम से एक सदर का इशारा बाद में शायद हुआ है सदर से, तो उसमें मैंने हदारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसमें मौकफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि मगरबी तमद्दुन के बारे में मुसलमानों का क्या मौकफ होना चाहिए और क्या मौकफ है। असल मौजू ये है, फिर मौलाना हज़ारा का लफ्ज़ बदल दिया और जिक्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसमें बहुत बड़ी एक रसत आई जाती है, वो ये कि हज़ारा की बुनियाद फिक्र पर है, पर इसको समझना चाहिए, बहुत तफसीली मौजू है और अब ये मुस्तकिल एक मौजू बन गया है सारे जामियात में, जिस तरह बहुत से मौजूद हैं ऐसी अलफिक्र इस्लामी एक मौजू बन गया है और इस नाम से मुतालिक किताबें भी हैं। उस्ताद मंजल मुबारक की किताब है इस्लामी नदीस, काजी तौबा किताब है अलफिक्र इस्लामी नदीस और अलफिक्र इस्लामी मोहम्मद बही की है, बही उखौली की है और मुतअद्दिद कुत्ताब की किताबें। बहुत से लोग उसके लिए अलग़ज़ुल फिक्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अलग़ज़ुल फिक्री व सालिम अली गिरशा की किताब है जो जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में निसाब में दाखिल है, कुतुबखानों में आते हैं उसका एक उससे मिलते हैं। तो अलग़ज़ुल फिक्री के नाम से बहुत से लोगों ने लिखा है, जलाल किश्क एक मशहूर कातिब हैं कि उन्होंने इस मौजू को बहुत तफसी से लिखा है और उसके असबाब पर बहस की है। गज़ल-फिक्री तो गज़ल-फिक्री और अलफिक्र-इस्लामी, अलफिक्र-इस्लामी में भी गज़ल-फिक्री पर बहस की जाती है। मौजू ये है कि 19वीं सदी से यूरोप को आलम इस्लाम पर तसल्लुत हासिल हुआ है, उनके ने मोहम्मद मुबारक ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इत्तिका उश्शर्क बिलगर्ब यूरोप से इत्तिसाल। तो यूरोप का तसल्लुत पहले इल्म के रास्ते से हुआ और उसके बाद फिर उसकी उसने मुस्लिम तुर्की खिलाफत के टूटने के बाद जो तुर्की ममालिक जो ममालिक तुर्की खिलाफत में थे जब वो लावारिस हुए तो इन लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया, बाद मुल्कों पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया, बाद पर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया, जैसे शाम है शाम पर फ्रांस से कब्ज़ा हो गया, इराक पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया, कहीं हॉलैंड ने कब्ज़ा कर लिया, कहीं इटली ने कब्ज़ा कर लिया, तो ये ममालिक हैं, पुर्तगाल ने कब्ज़ा कर लिया, ये ममालिक हैं इनको कहा जाता है दुअल इस्तेमारी है, जो बाकायदा फौजी ताकत से मुल्कों पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये जो कब्ज़ा है इसको गज़्वे अस्करी कहते हैं इस्तेलाह में, फौजी तसल्लुत। फौजी तसल्लुत जो होता है वो बहुत महदूद होता है, जैसे हुआ आपने देखा कि कितने मुल्कों पर इनका कब्ज़ा था और 1947-48-50 के दरमियान अक्सर ममालिक इन मुल्कों से निकल गए, इसलिए कि आज़ादी की तहरीक शुरू हुई इन मुल्कों में और बाद मुल्क देर में आज़ाद हुए, जैसे अलजज़ायर में फ्रांस अड़ गया कि हम नहीं हटेंगे और वो फ्रांस के फौजियों ने बहुत कुर्बानी दी थी, उनका की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं, खुद अलजज़ायरियों ने बहुत कुर्बानी दी, 10 लाख से ज़ायद शहीद हुए उससे और फ्रांस ने पूरी ताकत सब कर दी थी कि अलजज़ायर का नक्शा बदल दिया जाए, अरबियत और इस्लामियत भी ख़त्म कर दी जाए और अलजज़ायर फ्रांस का एक हिस्सा मुस्तकिल बन जाए, लेकिन मजबूर होना पड़ा फ्रांस के सदर को, जो नए सदर हुए जनरल डिगॉल, जनरल डिगॉल फौजी अफसर थे, उन्होंने महसूस किया कि अब ज़्यादा कुर्बानियाँ देना मुमकिन नहीं है और इनको ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने ऐलान कर दिया आज़ादी का, उनके फौज ने इनकार कर दिया उनके इस ऐलान को और उसको उनके बड़े अफसरों ने बगावत कर, उस बगावत के लिए इस तरह इस्तेमाल होती है सौरतुल जनरालात, जनरल्स की बगावत, सारे जनरल्स जो थे उन्होंने कहा कि हम इतने अरसे से इनको कब्जे में करने की रखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे फौजी उनके मारे गए तो हम इनको क्यों छोड़ दें इस तरह,
तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। उनके कहने पर उन्होंने सारे जनरल से प्रचार कर दिया। बाल ये आखिरी मुल्क था अलजजा, दूसरे जनूबी यमन जो बहुत देर में आज़ाद हुआ, बहुत अरसे तक बरतानिया ने उसका पर्दा रखा, लेकिन जनूबी यमन ने आज़ादी की तहरीक चली और उसको फिलहाल निकलवा नहीं जा सका, वो आज़ाद हुआ। ये ममालिक तो बाद में आज़ाद हुए, वरना अक्सर ममालिक 45 में जब जंग ख़त्म हुई, जंग अजीम, और उस जंग में ये ममालिक बहुत कमज़ोर हो गए, इनमें ताकत नहीं रही कि इतनी दूर से वो कब्ज़ा कर सकें, कब्ज़ा कायम रख सकें और कंट्रोल कर सकें, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुल्कों से निकलना शुरू किया। ये मुल्क आज़ाद, बाद मुल्क 50 साल गुलाम रहे, बाद हिंदुस्तान 1857 से 1947 तक बरतानिया के कब्ज़े में रहा, बाद मुल्क कम मुद्दत गुलाम रहे, जैसे इलाके की जो नौीयत थी उस एतबार से उस पर कब्ज़ा रहा, बाकी रहा उसके बाद उनको कब्ज़ा हटाना पड़ा, तो ये बड़ी ताकतें भी कब्ज़ा बाकी नहीं रह सकी। तो ये है, इसको तो गज़ब अस्करी कहते हैं। गज़ब अस्करी के बारे में कहा जाता है कि वो पायदार नहीं है और वो आज़ादी तक कायम नहीं रहता, लोगों में बगावत होती है, जज्बा आज़ादी पैदा होता है और फिर निकलना ही पड़ता है, ये बात तय है। इसीलिए फिर मुत्तहिदा अक़वाम में ये रेजोल्यूशन पास हो गया कि अब किसी मुल्क पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। उन्होंने तय कर लिया कि इन मुल्कों पर कब्ज़ा बाकी नहीं रखा जा सकता। मुत्तहिदा अक़वाम की जो बुनियाद पड़ी, जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसमें उसके बाद फिर उसमें एक मिसाक पैदा हुआ, मंजूर हुआ, जिसको यूएन चार्टर कहते हैं, वीसा हकूक़ इंसान में तय हुआ कि अब किसी मुल्क पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा और ताकत मसाइल को हल करने के लिए ताकत इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसको वीसा हकूक़ इंसान कहते हैं, जो 10 दिसंबर को पास हुआ मुत्तहिदा अक़वाम। तो उन जंगों का नतीजा और इस जो साम्राज्य पॉलिसी की नाकामी का एहसास हुआ, उसके नतीजे में उन्होंने उसूल पास किए। तो बहरहाल ये गज़्व अस्करी है, तो गज़्व अस्करी बाकी नहीं रहता है। गज़्व फ़िक्री और गज़्व सखाफ़ी दो तबीरें इस्तेमाल की जाती हैं। गज़्व फ़िक्री के माने ये हैं कि फ़िक्री तौर पर किसी मुल्क को अपना ग़ुलाम बना लिया जाए, यानी उसकी सोच, उसके सोचने का अंदाज वही हो जाए जो उन बड़े मुल्कों का है, या उस वक्त का सबसे बड़ा मुल्क है जैसे इस वक्त अमरीका है, तो आप कहते हैं कि अमरीका का तसल्लुत पूरी दुनिया पर हो गया है, और उसके लिए औलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसको लोग कहते हैं, इसका तर्जुमा औलमा है, इसका तर्जुमा अमेरिका है, यानी अमेरिकाइजेशन। उस वक्त अमरीका की पॉलिसी चल रही, बावजूद से कि अमरीका का तसल्लुत कहीं नहीं है फौजी, और जहाँ है वहाँ भी उसने हुकूमत बना रखी है, रमजी हुकूमत, उसके ज़रिए वो अपनी पॉलिसियाँ चलवा रहा है। बरह रास्त तसल्लुत अमरीका का नहीं है, इसलिए कि तय हो गया कि बरह रास्त तसल्लुत नहीं रखा जा सकता है। तो ये फिक्री गुलामी, इसको गज़्व फिक्री कहते हैं, और गज़्व सकाफ़ी कहते हैं सकाफ़त में किसी की तकलीफ करना, किसी यानी उनकी सकाफत लिबास है, खाने पीने के तरीक़े हैं और दूसरे जो ज़िंदगी के तरीक़े हैं, सकाफत एक दायरा महदूद है, उसमें वो चीज़ें जिनका ताल्लुक आखिर से है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, उसके लिए सकाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और बस हज़ारा का जो दायरा है बहुत वसी है, उसमें सकाफत भी आ जाती है। हज़ारा के लिए हुकूमत ज़रूरी, एक निज़ाम के कंट्रोल करने वाला हो उसमें वो हज़ारा के लिए ज़रूरी, और सकाफत के लिए निज़ाम ज़रूरी नहीं है, वो तबी तौर पर उसी पाई जाती है। हर इलाके के अपने तौर तरीके होते हैं, लिबास अलग होता है, खाने पीने के तरीके होते हैं और उनका ज़िंदगी के बारे में अपने तसव्वुरात होते हैं, ये सब चीज़ें सकाफत में आती हैं। तो सकाफत में किसी के अगर ग़ुलामी इख्तियार की जाए तो उसके लिए अलगज उस सकाफ़ी का अलग इस्तेमाल होता है। ये नए अल्फाज हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें अख्तलाफ है कि ये लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, बार ये ताबीर नहीं है अब इस्तेमाल हो रही है। तो फ़िक्र का लफ्ज़ मौलाना इस्तेमाल किए हैं इसलिए कि फ़िक्र असास है, हज़ारा के लिए भी सकाफा के लिए उसकी असास फ़िक्र पर है, यानी उनका तसव्वुर हयात क्या है, ज़िंदगी के बारे में उनका तसव्वुर क्या है, ये बुनियाद है। इसके बुनियाद पर तमद्दुन कायम होता है, तमद्दुन के लिए बहुत सी चीज़ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन फ़िक्र असास है। मौलाना फ़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बहुत से लोगों ने हज़ारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो
बहर फिक्र इस्लामी कई मौजू है उसमें इन सब चीज़ें आती हैं, तो उसमें ये बहस की जाती है कि यूरोप का तसल्लुक 19वीं सदी से शुरू हुआ है, उस वक्त से नए नए अफकार और नज़रियात से हम लोगों को वाकफियत हासिल हुई, और वो अफकार और नज़रियात उन मुअस्सिसात के ज़रिए जो जिनका ताल्लुक यूरोप से है वो अफकार और नज़रियात आम हुए। मसलन तालीम के ज़रिए सबसे बड़ा ज़रिया जो है गज़ल फिक्री का सबसे बड़ा ज़रिया इन असारी रईसी है वो तालीम निज़ाम तालीम। यूरोप ने अपना निज़ाम तालीम राइज कर दिया, इस आप देखें दुनिया में सारे हर मुल्क में यहाँ तक कि मुस्लिम मुल्कों में भी यूरोप का निज़ाम तालीम है। यह निज़ाम तालीम उन्होंने बहुत सोच समझ कर बनाया, एक पॉलिसी के मातहत बनाया, और इसका मकसद जहन साजी बुनियादी मकसद जहन साजी। जब इस किताब में आप पढ़ेंगे कि हम मिस्र का नज़दीक किया है कि गनलब जो है उसको कहा जाता है कि वो निज़ाम तालीम का बनाने वाला है, तो उसने लिखा है कि हमने निज़ाम तालीम ऐसा बनाया है कि इससे फ़ायदा उठाने वाले हमारी तरह सोचने लगेंगे। पहले उनका नाम होगा मुसलमानों का नाम होगा, मुस्लिम मुल्कों के होंगे, मुस्लिम माशरे के होंगे, लेकिन सोचेंगे इस तरह जैसे अंग्रेज सोचता है, जैसे यूरोपियन सोचता है ज़िंदगी के बारे में। तालीम याफ्ता तबका उसी तरह सोचेगा जैसे कि हम लोग सोचते हैं, तो ये हमारे सबसे बड़े उमला एजेंट हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, तो हम उनको उनके ज़रिए अपने मकासद पूरे कर सकते हैं। और अच्छी हिकमत अमली यही है कि हम बराह रास्त हुकूमत करने ना हम हुकूमत करने, इससे बेहतर है कि हमारे ऐसे उमला हों जो हमारी ही पॉलिसी को नाफिज कर रहे हैं। मुल्कों में जो आप देख रहे हैं सब मिस्र में, शाम में, इराक में और दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, वही उमला है। और इस वक्त जो इनकलाब होने के बाद जो लोग आए हैं वो भी उसी तरह के उमला है, वो उन्हीं के तरबियत दिए हुए हैं, वो बहुत बड़ी तब्दीली कोई आसार नहीं है कि आपसे कॉर्टर से मालूम हो रहा है, और घूम फिर तो वही पहुँच जाएंगे जहाँ थे पहले हुकाम जहाँ थे उसी जगह पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, तो ये वो हैं जो उनके निज़ाम में तालीम से उनको जहन साजी हुई है, तो वो उन्हीं के साथ सोचते हैं और उसी को नाफिज करना चाहते हैं। नाफिज करने में उनको दुश्वारियाँ पेश आती हैं, दुश्वारियाँ पेश आती हैं कि जो मुस्लिम आवाम हैं वो इस्लामी जहन के, तो इस्लामी जहन अक्सरियत का जहन इस्लामी है, एक मुसक्कफ़ तबका जो अकलियत में है जिसने उस निज़ाम से फ़ायदा उठाया है वो मुसल्लत हैं उनके ऊपर, और उसके मुसल्लत होने के भी असबाब हैं, बहुत से असबाब। उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया सियासी निज़ाम कि ऐसे ही लोग हुकूमत में आ जाते हैं, और उसके पीछे उनके मुशीर काम करते हैं कि वो लोग आए जो उनके पसंदीदा हैं हुकूमत में आ जाएँ, हुकूमत के सारे शोबों में वो आ जाएँ, वज़ारत तालीम उनके पास हो, वज़ारत आलम उनके पास हो, वज़ारत दाखलिया उनके पास हो, वज़ारत खारजिया उनके पास हो, खारजिया पॉलिसी वो बनाएँ, दाखिला पॉलिसी वो बनाए, निज़ाम तालीम पर करें और प्रोपेगेंडा और एलान का काम वो करें, तो उन सब चीज़ों में मगरबी मुल्कों के जो मफाद मसाले हैं उनकी वो रियायत करें, उनके मफाद की हिफाजत करें, तो उससे उन मुस्लिम आवाम का टकराव उसके नतीजे में हो रहा है, हर जगह टकराव हो रहा है। तो वाकई आलम इस्लामी ये है कि अक्सरियत जो इस्लाम पसंद है उसका टकराव उस अकलियत से है जो हुकूमत में है, जिसको उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, उनकी किताब रिद्दतुल्ला अबा बकिल्ला और आसिफ, उसमें इस मौजू बहस की इस वक्त आलम इस्लामी में क्या हुआ है, तो उन्होंने लिखा है कि इस वक्त ऐसा है जिससे कोई सवाल हो उसमें दोनों तरफ घोड़े होते हैं, एक घोड़ा एक रुख पर ले जाना चाहता है और दूसरी तरफ जो घोड़ा बंधा हुआ है दूसरे रुख पर ले जाता है, जमीन पर जा रहा है एक हिस्सा जा रहा है, तो ये टकराव, इस टकराव में से क्या हो गाड़ी टूट जाएगी। वाकई आलम इस्लामी जो है वो उसमें यही सराह पाया जाता है, तो ये मौजू है बहुत बड़ा मौजू है इस्लामी का। तो वाक़ यह है कि 19वीं सदी से यूरोप को तसल्लुत हासिल हो गया, वो तसल्लुत अस्करी था, अस्करी ख़त्म हुआ तब सकाफती और फिक्री तसल्लुत है, पूरा निज़ाम उन्हीं के उनका बनाया हुआ है, हर तरह यहाँ तक सकाफती निज़ाम जो है वो भी मगरबी निज़ाम ही की तरह है, या खेल कूद हैं और दूसरे सारे जो यहाँ तक होटल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, कहीं भी आप जाएँ तो आप देखें कि मगरबी निज़ाम, मगरबी फिक्र के मुताबिक जो निज़ाम है वही वहाँ पाया जाता है,
उसमें रहने वालों को उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। तो उनका निज़ाम मौजूद है, सकाफती लिहाज से और फिक्री लिहाज से उनको तसल्लुत हासिल है पूरी दुनिया में, कहीं भी किसी मुल्क में जाए, ये वाक़ है। तो मौजूद इस किताब में ये है कि ये जब यूरोप को तसल्लुत हासिल है इसके बारे में क्या मौक़िफ है आलम इस्लामी में और क्या मौक़िफ होना चाहिए। माँ उगर मौक़िफुल मसलूक, माँ उगर मौक़िफुल वाक़ और वाक़ क्या है और मसलूक क्या है, ये असल मौजू इस किताब का। और सिर्फ इस किताब में इस पर इस तरह बहस की गई, वरना इस मौजू पर और लोगों ने दूसरे नहज से बहस की है। हसन मोहम्मद मुबारक ने तमद्दुन पर बहस की है, तमद्दुन किसे कहते हैं, फिर मगरबी तमद्दुन किसे कहते हैं, फिर मगरबी तमद्दुन में अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, फिर मगरबी तमद्दुन के गालिब आने के असबाब क्या हैं। असबाब में उन्होंने बहुत से असबाब लिखे हैं, उसमें खुद मुसलमानों की कमजोरियाँ भी लिखी हैं कि मुसलमान सही तौर पर इस्लाम पर आमिल नहीं है। एक बड़ा सबब यह कि इस्लामी तसव्वुरात में बहुत सी तब्दीली आई, एक सबब है। दूसरा सबब यह है कि यूरोप के तमद्दुन की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में सही तसव्वुर उनके पास नहीं, किन चीज़ों को कबूल करना चाहिए, किन चीज़ों को कबूल नहीं करना चाहिए। जो उलूम रायज हैं उनके बारे में उन्होंने कभी गौर नहीं किया है कि उन उलूम के बारे में क्या क्या मौक़िफ़ हो। तो उन्होंने बहस की अपनी इस्लामी में, बहुत अच्छी किताब है और इन दोनों किताबों के साथ पढ़ा जाए तो बात ज़्यादा समझ में आती है। जैसे वो मुबाहिस इस किताब में नहीं है, तमद्दुन से मुतालिक मगरबी तमद्दुन के अनासिब, उसमें अच्छे बुरे पहलू और अमली तौर पर आलम इस्लाम की क्या सूरत हाल है और उनमें से कौन से अनासिब गालिब हैं, कौन से अनासिब कम तनासब के साथ पाए जाते हैं, ये उनका मौजू उस किताब का। तो उसको अगर आपको मौका मिले, हमारे ओलिया सानिया दावा के हिसाब में वो किताब है, आपके साथी हैं उसे लेकर आप उसको देख सकते हैं, उसके साथ इस किताब को पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आए। मौलाना ने इसको इस तरह बयान किया है कि मगरबी जो फिक्र है या मगरबी तमद्दुन, इसके बारे में दो मौक़िफ़ हैं। वाक़ जो है वो दो मौक़िफ़ हैं, एक मौक़िफ़ है मौक़िफ़ुर रफ्स, मौक़िफ़ुर रफ्स का यानी इनकार करने का मौक़िफ़, यानी वो ममालिक, यानी उन्होंने बहस ममालिक पर की, आवाम से बहस नहीं की उन्होंने, ममालिक जहाँ मुस्लिम हुकूमतें उनको मौजू बनाया। तो उसमें सबसे पहले लिखा है मौक़िफ़ुल अव्वल मौक़िफ़ुर रफ्स आदमुल क़बूल, यूरोप की हर चीज़ का इनकार अजनबी होने की हैसियत से, अजनबी फिक्र होने की हैसियत से, उसका बग़ैर समझे बूझे उसके हसनात और सयाद दोनों का इनकार रफ्स कर। ये उसमें अच्छे पहलू भी हैं, बारह हर फिक्र में कुछ अच्छे पहलू होते हैं। दूसरे ये कि ये बात जानना चाहिए कि मगरबी तमद्दुन का तीसरा अहम अंसर इस्लाम, उलूम इस्लामी और फिक्र इस्लाम, तीन अंसर बयान किए हैं इस किताब में नहीं, लेकिन हम तमद्दुन के लिए बात कर रहे हैं। तीन अहम अंसर हैं मगरबी तमद्दुन के, दो अंसर तो उनके अपने दाखिली यानी यूनानी फिक्र, रोमी फिक्र, एक ये अंसर है। दूसरे मसीहियत, मसीहियत भी असल मसीहियत नहीं है, क्या रोमी मसीहियत। मसीहियत को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, मसीहियत असल तो वह है जो फलस्तीन में या शाम में है, ये मसीहियत है असल मसीहियत। रोमियों ने 5वीं सदी में मसीहियत को अख्तियार किया और उसको सरकारी मजहब बना लिया, तो उसमें सियासत दाखिल हो गई, जिसको अलमसीहियत तो रोमानिया कहते हैं। अलमुस्लिमा में इसमें कई मजामिन आए हैं और उसमें दोनों का फ़र्क पता है। तो उसमें वो रूमी जो फिक्र है तसल्लुत वाला साम्राज्य फिक्र, वो उस मसीहियत में दाखिल हो गया, वो खालिस मजहबी फिक्र नहीं, उसमें साम्राज्य फिक्र दाखिल हो गई, इस्तेमारी फिक्र दाखिल हो गई और यूरोप की बढ़तरी की फिक्र उसमें दाखिल हो गई। उनके नज़दीक यूरोप सबसे बेहतर कौम है दुनिया में, तो कौमी यूरोप की कौमियत और रोमियों का साम्राज्य जहन और यूनानियों की अकलानियत, ये अनासर उसमें दाखिल हो गए हैं। मसीहियत रोमियत तो मसीहियत है और ये यूनानियत और रोमियत, और उसके साथ इस्लाम से जो फ़ायदा उठाया, ये बात किताबों में खुली तौर पाई जाती है कि उन्होंने अपने एक इल्म की बुनियाद इस्लामी उलूम पर रखी है।
बारहवीं सदी में उन्होंने इस्तिफादा शुरू किया, मुसलमानों से उनके इल्म पर पाबंदी थी। कि आप जानते हैं कि एक दौर है जिसको दार केजस कहते हैं, अब्दुल्सलाम, तो पाँचवीं सदी से पंद्रहवीं सदी तक ये कलीसा का तसल्लुत था, तो इल्म की इजाज़त नहीं थी, लोग छुप छुप कर इल्म हासिल करते थे, और अगर मालूम हो जाए किसी ने इल्म हासिल किया तो उनको सज़ा देते थे। तो उन्होंने इल्म हासिल किया तो मुसलमानों से हासिल किया, उनके यहाँ इल्म का वजूद नहीं था, उन्होंने किताबों पर पाबंदी लगा दी। तो वहाँ जाकर अंदलुस में, मिस्र में लोग जाकर उन्होंने इल्म हासिल किया इंतजारी तौर पर, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुझान बढ़ा, और उसके बाद चौदहवीं सदी में उनके यहाँ मदारिस कायम हुए। यूरोप में उसने पोप ने इजाज़त दी, जब उससे कहा गया कि अब इल्म को पर पाबंदी दिन तक नहीं लगाई जा सकती, तो उन्होंने इजाज़त दी, तो उनके यहाँ इल्म की पैदा हुई बाकायदा चौदहवीं सदी, जो जितने भी मराकज इल्म है उनके यहाँ चौदहवीं सदी तेरहवीं सदी के आखिर में कायम हुआ। और उनके यहाँ इल्म को इजाज़त दी गई है खुले तौर पर इल्म के शाद की पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी, तो पंद्रहवीं सदी तक तो उनके यहाँ इल्म पर पाबंदी थी, पंद्रहवीं सदी में इल्म उन्होंने फैलाना शुरू किया है, और सोलहवीं सदी में उनके यहाँ मुफक्किरीन पैदा हुए, और सत्तरवीं सदी में और अठारहवीं सदी में वो इस काबिल हो गए कि वो अपनी इल्म की बुनियाद पर भरोसा कर सकें, और उनके यहाँ मुहद्दिसीन मुफक्किरीन पैदा हुए, और अठारहवीं सदी में वो बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया जो उनकी तारीख है, और उन्नीसवीं सदी में उन्होंने आलम इस्लामी पर कब्जा किया है। उस वक्त तक वो मगलूब थे मुसलमानों ही पर दुनिया पर, बीसवीं सदी के शुरू तक तुर्की खिलाफत कायम थी, यूरोप के बहुत से इलाके उनके मातहत, तुर्कों के मातहत थे, इधर मुगलिया सल्तनत थी, और हिंदुस्तान और उसके आस पास के ममालिक सब मुसलमानों के कंट्रोल में, तो इनका दौर 19वीं सदी से शुरू होता है। तो ये इसमें मगरबी तमद्दुन में बहुत से अनासिर हैं छुपे हुए जो मुसलमानों ही से लिए गए। अभी हुकूक इंसान का तसव्वुर है, हुकूक इंसान का तसव्वुर उन्होंने कहाँ से लिया है? ये तो साबित शुदा बात है कि उनके यहाँ हुकूक इंसान का तसव्वुर ही नहीं थी, वो इंसान की करामत और शरफ के कायल ही नहीं थी, इंसान के साथ जानवरों से ज़्यादा मामला करते थे, कभी ज़हीर के साथ ऐसे ही मामला करता था जो मामला कीड़ों मकोड़ों के साथ किया जाता है, और उस पर तफसीली मज़ामीन लोगों ने लिखे हैं कि इंसानों के साथ क्या सलूक होता था पहले, किस तरह तफरी के लिए इंसान के जिस्म में आग लगा दी जाती थी, और दावतों में उस आग से उस आग की रोशनी में लोग खाना खाते थे, और इस दरिया में इंसान को फेंक दिया जाता था, जब उसका दम निकलता था और जान बचाने की कोशिश करता था पैसे लगते तफरी होती थी, इंसानों और जानवरों में मुकाबला होता था, भैंस और जो परिंदे होते हैं उनसे इंसान का मुकाबला कराया जाता था, लोग पैसे लगा जब इंसान मरता था, तो ये तो इनका तसव्वुर था इंसान के बारे में, तो इंसान की करामत का तसव्वुर इनके यहाँ नहीं था, वो मुसलमानों से लिया उन्होंने, सबसे ज़्यादा करामत सब इस्लाम में है, सबसे ज़्यादा उसका जिक्र कुरान शरीफ में है। इसी तरह औरत के बारे में बहुत दावा उनका, तो औरत के बारे में मौलाना की किताब है फजलुल इस्लाम अलल अदारत इंसानी, वो बहुत मुख्तसर किताब है, वो आपको पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, उसमें इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया इख्तसार के साथ मौलाना बयान किया है, 10 अहम उसमें उनवानात हैं, तो वो बहुत अहम किताब है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि दुनिया पहले क्या थी और इस्लाम के तालीम के नतीजे में या इस्तेवाल के नतीजे में दुनिया में क्या तब्दीली पाई, तो उसमें औरत के बारे में लिखा है, औरतों के बारे में उनका क्या सलूक था जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि औरत मजलूम है, इस्लाम औरत मजलूम, लेकिन यूरोप में औरत के साथ क्या सलूक पहले होता था और अब भी क्या सलूक हो रहा है जिसको मीडिया बयान नहीं करता है, वो कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं इस्तेमाल होता है, औरत का मामला है, इल्म के बारे में उनका क्या मौक़ है, इल्म के वो दुश्मन थे, जिंदा लोगों को जला दिया गया कि मालूम हुआ कि इन्होंने बाइबिल के अलावा कोई बात कही है उससे बाहर बाइबिल नहीं है, तो उनकी किताबों में मौजूद है कि पेड़ से बांध कर जिंदा जला दिया गया ऐसे शख्स को, उसमें गैलीलियो है उसके बारे में लिखा है कि उसको जिंदा जलाया, फिर उसने एक बात कह दी थी कि बाइबिल के सबूत के खिलाफ थी, इल्म के बारे में उनका यह मौक़ था। तो इसी तरह और उनके यूरोप का जो तसव्वुर था जिंदगी के बहुत से नसरी के बारे में, तो वो मुसलमानों की वजह से उसमें तब्दीली आई, तो अब वो उसको हर चीज़ को अपनी तरफ मंसूब करते हैं, तो इसलिए हर चीज़ जो मगरबी तमद्दुन में है वो रब के काबिल नहीं, ऐसा नहीं कि उसका इनकार कर दिया जाए, खासतौर से जो मौसलात है इतसालात का निज़ाम है और बहुत सी जो साइंस की तहकीकात हैं उनसे जो फ़ायदा हो रहा है उनका कैसे इनकार किया जा सकता है।
एक मौकफ वो है जो मौलाना लिखा है मौकफ अलाउल, वो मौकफ रब से है कि हर चीज़ का इनकार आँख बंद कर लिया है। और इसकी मिसालें ये ऐसे ही नहीं, ऐसा दावा नहीं, इस वक्त दुनिया बहुत बदल गई तो हम उसको नहीं समझ सकते। मौलाना इसके लिए तीन मिसालें दी हैं, यमन की, अफगानिस्तान की और सऊदी अरब की। ये अब भी मुतखलिफ हैं दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, ज़िंदगी के बहुत से मैदान तमद्दुनी मैदानों में बावजूद इंकलाबात के अब भी मुसर शाम व राग के मुकाबले में बहुत मुतखलिफ हैं। ये इंतहाई पसमानगी की हालत में थे। वजह यह है कि इन्होंने आग बंद कर ली थी, यहाँ तक के सड़कें बनाने की इजाज़त नहीं देते थे वो कि इससे ये सड़कें बनेंगी तो यूरोप वाले आ जाएंगे, तीसरे सड़कें नहीं बन रही। रेडियो से इनकार कर दिया, उनका रेडियो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। प्रेस के बारे में तो ये आप जानते हैं, बहुत मारूफ बात है कि प्रेस 16वीं सदी में ईजाद हुआ, जर्मनी के शख्स ने प्रेस ईजाद किया। प्रेस से यूरोप ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, बहुत से किताबें शायद यहाँ तक या अरबी की बहुत सी किताबें उनकी छापी, बहुत सी किताबें देखी, सबसे पहले वो वहीं यूरोप के किसी मुल्क में छपी, उसके बाद फिर उनकी इशात हुई और फिर उन पर मुस्तशरीन ने काम किया। तो प्रेस 16वीं सदी में आया यूरोप में, लेकिन मिस्र में कब आया? सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क आलम अरबी में मिस्र है, आलम इस्लामी में तुर्की है, असल तुर्की की हुकूमत थी। तो इस्तांबुल में कब आया? मिस्र में कब आया? मिस्र के बारे में मालूम है कि प्रेस नेपोलियन लेकर आया, नेपोलियन ने जब मिस्र पर कब्ज़ा किया तो साथ प्रेस लाया था। उस प्रेस को कहा जाता है कि मिस्र में जो नहसा है साल शुरू हुए वो उस प्रेस के नतीजा है, इसके प्रेस की वजह से किताबें छपना शुरू हुई, प्रेस की वजह से अखबार निकलना शुरू हुए, लिखने वाले पैदा हुए और उसके बाद मदारिस कायम हुए और किताबों से लोगों ने फ़ायदा उठाया, वरना मखतूतात दुनिया में सिर्फ मखतूतात ही थे। तो मिस्र में प्रेस आया, नेपोलियन आया 18वीं सदी के आखिर में और उसके बाद वो चला गया, 1801 में चला गया, उसको निकाल दिया इन लोगों ने मोहम्मद अली पाशा ने, मिस्र आज़ाद हो गया, वो प्रेस लेके चला गया। अब मिस्र बगैर प्रेस के हो गया, 1801 में नेपोलियन गया तो मिस्र बगैर प्रेस के हो गया, जो सबसे बड़ा मरकज़ है इस वक्त आलम इस्लाम में और आलम अरबी में, वो बगैर प्रेस के हो गया। उसके बाद फिर उनकी जब उन्होंने बाद में गौर किया तो उसकी मुद्दत के बाद मतबात और गोलाब कायम किया गया, जो सबसे पहला प्रेस है। आप देखेंगे बहुत पुरानी किताबें मतबात और गोलाब की छपी हुई हैं। ये प्रेस आया, ये कब आया? 19वीं सदी के शुरू, 19वीं सदी के 300 बरस निकल गए, वो 16वीं सदी में प्रेस आया और यहाँ 19वीं सदी में प्रेस आया। आप देखेंगे इसकी वजह से कितना इल्मी लिहाज से सकाफती लिहाज से तखल्लुक पैदा हुआ। तो ये मिस्र का हाल है, और मुल्कों में कैसे इसकी इजाज़त दी जा सकती है? तो ये मिसाल है, मौलाना मिसाल दी है कि सड़कों के बनाने की इजाज़त नहीं, सफाई की इजाज़त नहीं और तालीम आम करने की इजाज़त नहीं, औरतों की तालीम तो खैर नामुमकिन था कि उसके ख़िलाफ़ थे उलमा, और उसके अलावा प्रेस नहीं आ सकता था, जो वसाइल है मौसलात इतसालात थे वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, बहुत पसमानगी थी। अब भी यमन में बहुत ज़्यादा पसमानगी है, कबाइली निज़ाम है और तालीम में बहुत पीछे हैं, अस्सियाँ नहीं हैं, एकाद छोटे के मदारे सब कुलियात हैं, अस्सियाँ वो यमन का हाल ऐसे है, उसका अफगानिस्तान का हाल ऐसे था। और उसके बाद फिर सऊदी अरब में तालीम बहुत बाद में, मलिक अब्दुल अज़ीज़ जब आए तो उन्होंने वो उनका नाम है मिस्र के मशहूर शाकिर को बुलाया और उनसे कहा मिस्र के, क्योंकि मिस्र में निज़ाम तालीम राइज हो गया था, सऊदी अरब में निज़ाम तालीम नहीं थी, कोई अखबार नहीं निकलता था, एक छोटा सा अखबार उमर पूरा निकलता था, अखबार नहीं थे, प्रेस नहीं और उसके बाद मदारिस नहीं, सानविया तक वही सानविया की तालीम सिर्फ होती थी। तो शाकिर के बारे में लिखा है कि शाकिर को बुलाया मलिक अब्दुल अज़ीज़ ने, जब उनकी हुकूमत कायम हुई जिसको आजकल सऊदी हुकूमत कहते हैं, वो उन्होंने उनको बुलाया तो मदारिस कायम, तो वहाँ तालीम आमना लोग मिस्र पढ़ने जाते थे और मिस्र के लोग दराजात अलिया के लिए फ्रांस जाते थे, बरतानिया जाते थे। तो ये प्रेस के इख्तियार करने में जो देर लगी उसका नतीजा निकला कि यूरोप मुक्तदा बन गया इल्म में, किताबों के सिलसिले में भी किताबें उनके अंशाए हुई, तालीम का निज़ाम आम हो गया, तो उसमें यहाँ के लोग मिस्र के लोग वहाँ तालीम हासिल, मजफ़ा बे ताताबी के नाम जो आता है हमारे अदब अरबी में,
तो वो उनके साथ 105 नौजवान भेजे गए तालीम के लिए फ्रांस, वहाँ से तालीम हासिल करके आए। अब वो तालीम हासिल करके आए तो वहाँ से उनके अफकार लेकर भी आए। तो ये एक मौक़ तो है जो मौक़ रस्म कबूल है, तो अलम कबूल है जिसको मौलाना ने लिखा है कि ये ना ये गैर तबाही है, ये चलने वाला नहीं। इसकी मिसाल ऐसी जब सैलाब आ रहा हो तो उसके लिए कुश्ता बांध दिया जाए, तो जब सैलाब ताकत बढ़ेगी ये कुश्ता टूट जाएगा। तो मौलाना लिखा है कि ये ममालिक ज़्यादा ख़तरे में हैं उन ममालिक के मुकाबले में जो तरक्की पसंद है। वो तरक्की करने के बाद अब कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयों को समझने लगे, और ये अभी इन्होंने कुश्ता बांध रखा है, ये कुश्ता जब टूटेगा तो फिर बहुत बड़ा इनकलाब आने का खतरा है। तो यह पहला मौका है, वक्त हुआ क्योंकि हम जल्दी बात खत्म करेंगे आपको है ना। तो यह है मौकफुल अव्वल, इसमें तीन मिसालें मान दी और लिखा हाजा मौकफ गैर तबे, ये नहीं हो सकता है। आप ताकतवर तमदन और उसके पीछे इतनी ताकतें हैं, उनको इस तरह दीवार खड़ी करके उनको नहीं रोक सकते। चुनाचे आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में सब क्या सूरत हाल, यमन में क्या सूरत हाल, सऊदी अरब में कितनी तब्दीलियाँ आ रही, और वो तब्दीलियाँ ऐसी आ रही हैं जो मिस्र से ज़्यादा हैं। ख़तरा इसका है वो मिस्र आगे बढ़ जाए और उसमें इतनी तब्दीली आ जाए कि वो बिल्कुल वहाँ के मिजाज के ख़िलाफ़ हैं, तो ये उसका रोकने का नतीजा है। दूसरा मौक़ वो है जिसको मौक़िफ़ुल इस्तिस्लाम मौलाना ने लिखा है, मौक़िफ़ुल इस्तिस्लाम। मौक़िफ़ुल इस्तिस्लाम ये है कि यूरोप की हर चीज़ को कबूल कर लिया जाए और यूरोप को मुक्तदा मान लिया जाए। इसके लिए मुसायरतुल्गर्ब किताबी अरबी में इस्तेमाल होती है कि हम यूरोप को अपना पेशवा मान लें, हर चीज़ में उनको मुक्तदा मान लें, और वो उनको नमूने के तौर पर उनको नमूने की पोजिशन दे, उसवा बना रहे। ये भी मौक़िफ़ है, वाक़िउल आलम इस्लामी में आता है। बाज़ ममालिक हैं जिन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है, मौक़िफ़ुल इस्तिस्लाम। हिंदुस्तान में सर सैद अहमद ख़ान की मिसाल मौलाना दी है कि सर सैद अहमद ख़ान जब वहाँ गए फ्रांस, तो वहाँ जाकर मुतासिर हुए वहाँ के तमद्दुन को देखकर, और वहाँ के तासुब बयान भी किया कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की और उसमें मुस्तशरीक़ीन को रखा उसातज़ा ने, और फिर उन्होंने वही निज़ाम पूरा जो मौलवी निज़ाम था पूरा अख्तियार कर लिया। उसका जामिया इस्लामिया जरूर नाम है लेकिन वो इस्लामी यूनिवर्सिटी नहीं है, असरी यूनिवर्सिटी है, खालिस असरी यूनिवर्सिटी है। उसमें ऐसे लोग नहीं पैदा हुए जिन्होंने इस्लाम का दफा किया हो, वरना उसका काम ये था कि ऐसी उलूम हासिल करने वाले ऐसे पैदा होते कि जो यूरोप के फिक्री और सकाफती जलवार का मुकाबला करते, इस्लाम का दफा करते। इस्लाम का दफा करने वाले वहाँ कल से कम्युनिस्ट पैदा हुए, मौलवी पैदा हुए, अब भी ऐसे ही लोगों का वहाँ तसल्लुत है। तो वो नमूना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये वो है जो मौक़िफ़ अल इस्तिस्लाम का नमूना है। तो ये इसकी इन्होंने मिसालें एक तो सर सैद की दी है यहाँ से हिंदुस्तान से, और बाद दूसरे बाद शख्सियतों में जो मजहब के बहुत ज़्यादा कायल हैं, उन्होंने भी तमद्दुन की तारीफ करते हैं और वो उन्हीं के अफका और नजरियात को दोहराते रहते हैं। अभी अखबारात में मजलात में ऐसे मजामीन आते हैं कि हमें उनसे इस्तेफादा करना चाहिए ज़िंदगी का मैदान, यहाँ तक कि मजहबी उमूर में भी। यानी ये जो मुखल्लिदीन हैं इनके बारे में आपको ताजुब हुआ कि मजहबी उमूर में भी मगरिब की तकलीफ की बात करते हैं। उसमें खालिद अहमद मुफक्किर इस्लामी कहलाते हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें कुरान की तरहीन करनी चाहिए और कुरान को जिस तरह गिरजा घर में इसको बाइबिल को पढ़ा जाता है गा कर, इस तरह अगर गा के पढ़ा जाए तो ज़्यादा मौसर होगा, वो इतने मुतासर हुए। उन्होंने कहा कि मस्जिद की का जो डिज़ाइन है वो गिरजाघर की तरह होना चाहिए तो लोग ज़्यादा मुतासर होंगे। और यहाँ तक कि एक साहब ने ये तक कह दिया कि जुमे के बजाय इतवार को जुमे की नमाज होनी चाहिए, लेकिन उसकी छुट्टी हो। ये चीज़ें वाकई है, अगर फिक्र इस्लामी किताबें आप पढ़ें तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसकी मिसालें मिलेंगी। तो लोगों ने जो तफसीली किताबें उसमें ये सब नमूने दिए हुए हैं ऐसे मुफक्किरीन के अखबार, और हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से इस तरह की बातें करते हैं, तलहीन कुरान की बातें बहुत से लोग करते हैं। तो और बहुत से लोगों ने इसी कोशिश भी की। तो वो तकरीर जहन जब बन जाता है तो बुराई भी अच्छी अच्छाई मालूम होती है। तो उन्होंने ये हिंदुस्तान में इस तरह के मुफक्किरीन अब भी पाए जाते हैं जो ऐसे ऐसे मजामीन लिखते रहते हैं।
اصلاح دینی کا ایک تصور ہے ان کے یہاں. یہ پروٹیسٹنٹ تحریک جو ہے یہ اصلاح دینی کہلاتی ہے. یہ مارٹن لوتھر ایک شخص تھا جس نے عیسائیت میں انقلاب پیدا کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ یورپ میں جو نازا ہے یہ اس میں ان کا ایک اہم عنصر مارٹن لوتھر ہے. ایک عنصر صلیبی جنگیں, دوسرا مارٹن لوتھر ہے جس نے عیسائیت میں جو اس میں جمود تھا اس جمود کو دور کر دیا. تو اس جمود میں ایک بات اس نے یہ کی کہ مسیحیت کے میں جو عالمیت کا تصور تھا اس عالمی تصور کو ختم کر دیا اس نے اور اس کو علاقائی مذہب بنا دیا. میں اس نے کہا کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کی زبان اور تہذیب کے اعتبار سے مسیحی ہوں. ہمارے مسلمانوں کے یہاں کہ ہمارے عالمیت تصور پایا جاتا ہے تو مثلا عربی ہی میں نماز ہو سکتی ہے اور دعائیں ساری عربی میں ہیں اور بہت سی چیزیں عربی میں ہیں وہ لازمی ہیں. اس نے کہا کہ یہ زبان کی پابندی نہیں ہے کہ جو عیسیٰ کی جو بائبل کی جو زبان ہے اس زبان کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے, اپنے علاقے کی زبان میں بائبل کا ترجمہ کر کے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اس نے اس کو علاقائی مذہب بنا دیا. دوسرے اس نے یہ پوپ کو جو کلونیت کا تصور ہے اس کو ختم کر دیا. تو وہ اس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں, ان کے درمیان اور کیتھولک کے درمیان لڑائیاں ہوئیں, لاکھوں آدمی مارے گئے شروع میں, بعد میں پھر صلح ہو گئی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جو پروٹیسٹنٹ بننا چاہے پروٹیسٹنٹ بن جائے, جو کیتھولک رہنا چاہے تو کیتھولک رہے. یہ اس بات میں صلح ہوئی, ورنہ شروع میں ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور ان کو انہوں نے مرتد سمجھا تھا اور لاکھوں آدمی مارے گئے. تو یہ اصلاح دینی کا تصور بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ جس طرح مسیحیت میں اصلاح دینی کا ایک فرقہ پیدا ہوا اور اس کی وجہ سے مسیحیت میں جمود دور ہوا اور اس میں نمو پیدا ہوا اور اس میں وہ ساری دنیا میں پھیل گیا, اسی طرح اسلام میں بھی ایک تحریک اصلاح دینی کی شروع ہونی چاہیے. یہ اصلاح دینی کی جو تعبیر آپ پڑھتے ہیں وہ بہت خطرناک تعبیر, وہ تعبیر محفوظ ہے اسی سے پروٹیسٹنٹ کی تحریک سے. تو وہ چاہتے ہیں پورا نظام بدل دیا جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز خطبہ اردو میں دیا جا سکتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اپنا اوپر کی بجائے کوئی اور تعبیر بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس مسائل اٹھتے رہتے ہیں ہندوستان میں بھی, تو وہ اصلاحی دینی کے تصور سے یہ لوگ متاثر ہیں. تو مذہبی امور میں بھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یورپ نے اپنی مسیحیت کو اپنے مزاج کے مطابق جس طرح بدل دیا ہے, مسلمان بھی اسلام میں ایسا تطور پیدا کر دیں کہ وہ ان کے حالات کے مطابق ہو جائے اور وہ جو قرن اول کا اسلام ہے وہ اس اسلام کو چھوڑ دیا جائے. تو اس لیے اس وقت تین فرقے پیدا ہو گئے ہیں, عربی اخبارات میں ان کا تذکرہ آتا ہے. ایک تو وہ ہیں جن کو جو کٹھر اسلام پسند ہیں, کہتے ہیں اسلام جیسا قرن اول میں تھا ویسے ہی اسلام رہنا چاہیے. ان کو رادیکالیین کہتے ہیں اصطلاح میں, ریڈیکل مسلمس. اور ایک وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے سیکولر مسلمس, المسلمون المانیون سیکولر. سیکولر کے معنی ہیں کوئی کسی طرح کا کسی حال میں ہو اس کو رہنے دیا جائے, اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے. جیسے انہوں نے کہا کہ مذہب شخصی معاملہ ہے, اس کو کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ انکار کرتے ہیں. اسلام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر لازمی ہے اور اس امت کی پہچان ہے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ دونوں چیزیں اسلام کی ہمارے اسلام کی علامتیں سے ہیں, یہ دوسرے مذاہب میں نہیں. تو اس میں وہ نہیں ہے مسئلہ شخصیت جب ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہو سکتا, کوئی کسی حال میں آپ کو ٹوک نہیں سکتے. اس لیے یورپ میں جگہ لکھا ہے آپ کسی کو ٹوکیے نہیں, کسی کو کسی حال میں دیکھیے اس کو سال میں رہنے دیجیے. ہر جگہ دیواروں پہ ایسے لگے ہوئے ہیں اعلانات کہ آپ کسی کے معاملے میں دخل نہ دیجیے, آپ اپنا پبلک فیو کیجیے, اپنا جہاں جانا ہے جائیے, کسی حال میں کسی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کچھ کہیے نہیں, اس کی فکر نہ کیجیے. یہ مسئلہ شخصیہ ہوگا, برائی اچھائی کے بارے میں آپ کسی کے کوئی مشورہ نہیں دے سکتے, نہ کوئی رائے دے سکتے ہیں, نہ حکم دے سکتے ہیں, نہ روک سکتے ہیں. تو یہ وہ سیکولر مسلم کی, یہ باقاعدہ کچھ ایسے تھنکرس مفکرین اس وقت پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیکولر اسلام اختیار کرنا چاہیے, یہ سیکولرسٹ ہیں. تیسرے وہ ہیں لبرلس احرار. یہ انہوں نے اسلام کے بہت سے یہ تعلیمات کا ایک نیا تصور پیدا کیا ہے اور اس کی نئی تشریح کرتے ہیں. جو تشریح علماء کی ہے اس تشریح سے وہ مختلف تشریحات ہیں. عربی بچوں میں تو بہت زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں اور انگریزی میں ایسے مضامین بہت آتے ہیں, اردو میں ایسا ابھی لوگ ضرورت نہیں کرتے, کچھ اشارے ملتے ہیں لیکن اس کی علامتیں یہاں بھی پائی جاتی ہیں. تو یہ وہ ہیں جو مذہبی امور میں بھی مغرب کی تقلید کے قائل ہیں.
तो इबादत में इस्लाम के मुतायन जो अफकार और नज़रियात हैं असासी, उनके बारे में भी वो कहते हैं जो उलमा समझे हैं वो उन्होंने उलमा में समझे हैं, हम खुद मुताला करके कुरान हदीस का मुताला करके हम खुद अपनी राय दे सकते हैं। यूरोप में बहुत से बार दर्श कुरान के बारे में लोगों ने बताया कि वो कहते हैं कुरान में यह है लेकिन मेरी राय यह है, मेरी राय केवल मेरी राय वो पेश कर अपनी राय पेश कर देते हैं कि मेरी राय यह है, लोगों मुफस्सिरीन ने इसको इस तरह लिखा है लेकिन मैं समझता हूँ आयत का मतलब यह है और आयत का मतलब वो अपने ख्याल से अपने फिक्र के अतबार से पेश करते हैं। तो ये वो हैं जो फिक्री तौर पर गुलाम है, यह है मौकफुल इस्तिस्लाम। तो इसमें उन्होंने हिंदुस्तान की ये मिसाल दी है। दूसरी मिसालें बनती हैं तुर्की की, मिस्र की, शाम की, इराक की और अलजज़ायर की। ये वो मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा मगरिब ज़दा है, इस वक्त नमूना है मगरिब ज़दगी, वहाँ उनकी हुकूमतें हैं, वो इसी तरह की तहरीकें हैं और वो पूरी तरह से मगरिब ज़दा मार रहा है। आवाम पसंद होंगे लेकिन वो आवाम अपने अगली उमूर में हैं, उनको कोई ज्यारात नहीं है। आप देख रहे हैं हर जगह गलबा अभी होता है, बात तो मनहरिफ है, बात बिल्कुल इनहराफ की मिसालें थी। तो मौलाना ने आलम इस्लामी की ज़्यादा मिसालें दी, उसमें पहले तुर्की की मिसाल थी। तुर्की सबसे ज़्यादा जद में आया, उसकी वजह यह है कि तुर्की जर्मनी से मिला हुआ था और जर्मनी से उसके बहुत ताल्लुकात थे और उसी उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद में तुर्की तबाह हो गया, इसलिए कि तुर्की जर्मनी का हलीफ बन गया जंग में। अब जंग अजीम में जब जर्मनी को शिकस्त हुई जब तुर्की को भी शिकस्त होगी, तो उसके बाद फिर तुर्की को इससे बकरे हो गए, तुर्की को जवाब हो गया। तो जर्मनी से बहुत ज़्यादा कुर्ब की वजह से इस वक्त भी तुर्क जर्मनी में बहुत ज़्यादा है और जर्मनी के लोग तुर्की में हैं, उसके बहुत मिलते हैं। तो जर्मनी से ताल्लुक़, जर्मनी बहुत बड़ी ताकत रहा है हमेशा और जर्मनी को एहसास है कि वो यूरोप की सबसे बेहतर कौम, नाजियत जिसे कहते हैं, नाजियत के माने ये हैं यूरोप की सबसे बेहतर कौम जर्मन कौम। तो वो अपने को सबसे बेहतर यूरोपियन समझते हैं, तो वो है और फ्रांस का बहुत दावा है कि वो असल यूरोपियन मुल्क है। तो जर्मनी से बहुत ज़्यादा रवाबित कायम हुए तुर्की के और उन्होंने जर्मनी से बहुत फ़ायदा उठाया बस चीज़ों में, उनकी जब उन्होंने वहाँ तरक्की शुरू हुई तो तुर्की के लोगों ने वहाँ जाकर तालीम हासिल की और उनकी बहुत सी चीज़ों तकलीफ शुरू की। तो सबसे ज़्यादा तुर्की मुतासर हुआ था और तुर्की का असर पूरे आलम इस्लामी में पड़ा। तुर्की में एक जमात पैदा हुई जिसका वहाँ जिक्र किया है, जिनको तुर्की अलफतात का अलीम कहते हैं और अंग्रेजी में उसको यंग टर्क्स कहते हैं, तुर्की अलफतात। दो मुफक्किर पैदा हुए इनका जिक्र मौलाना ने किया है, एक ज़िया कौकब एक नामद कमाल। इस किताब में जब आप पढ़िएगा तो इनका जिक्र मौलाना तफसीर से किया है। ये वो हैं जो दुआतुल हैं, दुआतुल सफाबतुल अरबी। ज़िया कौकब को मरियम जमीला ने भी लिखा है, असल जंगदार मौजूदा दौर में यूरोप के गुलाम फिक्री गुलामी के ज़िया कौकब सबसे बड़ी शख्सियत। ज़िया कौकब ने कहा कि तुर्की यूरोप का हिस्सा है, जब यूरोप का हिस्सा है तो उसको यूरोप की तकबीर करनी चाहिए, यूरोप की तहजीब को अख्तियार करना चाहिए, ये उन्होंने दावत दी। तो नामद कमाल ने भी ये बात कही मगर तब्दीली के साथ, फर्क इसमें मौजूद है, तफसील बताने का वक्त नहीं। मुस्तफ़ा कमाल को जब इनके सुल्तान को उनके जवाल के बाद जब तुर्की पर हमला हो गया, सारे मुल्कों यूरोप के मुल्कों ने हमला कर दिया रास्ता से यूनान ने, तो मुस्तफ़ा कमाल ने मुकाबला किया, तुर्की का दफा किया। लेकिन ये लोग चाहते थे कि तुर्की का वजूद ही ख़त्म हो जाए, थे कि तुर्की से सबसे ज़्यादा यूरोप को नुकसान पहुँचा था, तुर्की की ताकत भी थी, कोई यूरोप किसी मुल्क में घुस जाता था, फ्रांस में चला गया था, वियना में पहुंच गया था। तो तुर्की से सबसे ज़्यादा दुश्मनी यूरोप का है। तो तुर्की जब जवाल की हालत में आया तो यूरोप ने चाहा कि तुर्की का वजूद ख़त्म हो जाए, उस पर तरफ से हमला हो गया, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और तुर्की को बचा लिया, इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल को गाजी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा मुस्तफ़ा कमाल का है कि उन्होंने तुर्की को बचा लिया, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए हमारे सारे उलमा हिंदुस्तान के उलमा मुस्तफ़ा कमाल के बहुत कायल रहे हमेशा। मौलाना पहले शख्स हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ आवाज़ उठाई, और जब उन्होंने पर्चा उनका मजमून छपा तुर्की से वापसी के बाद मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ, तो हमारे बाज़ नदवे का साथ ने पर्चा फाड़ दिया
क्या मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मौलाना कैसे राजी मुस्तफ़ा कमाल हीरो थे उस वक्त, और हिंदुस्तान में तो तुर्की से मोहब्बत तकलीफ नहीं पाई जाती है, खिलाफ खिलाफत तहरीक यहाँ कायम हुई थी। तो नजरे ही में बाहर साजदा ने मौलाना के उस मजमून के खिलाफ एहतजाज इस तरह किया कि वो मजमून फाड़ दिया, जिससे मौलाना मुस्तफ़ा कमाल के कर रहे थे वो जिम्मेदार हैं सब हालांकि इस्लामी के मगरब के गुलाम। मुस्तफ़ा कमाल को कामयाबी के बाद फिर यूरोप ने साजिश ये की, उनसे एक मुआहदा किया, हालांकि वो फौज जंग में उनको कामयाबी हो गई थी, लेकिन उनसे मुआहदा फिर जंग बंद कर दी जाएगी, आप मुल्क के हाकिम हो जाएंगे, लेकिन ये शर्तें वो शर्तें इस मौजूद हैं और तफसीली किताबों में मौजूद हैं, मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे में एक ये था कि खिलाफत ख़त्म कर दी जाए, इस्लाम से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए, दीन से वाबस्तगी ख़त्म कर दी जाए, मगरबी सकाफत ख़त्म कर लिया जाए और बहुत सी शर्तें थी। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ऐसी हालत में थे, जंग से निकले थे और उनके बारे में शुबा ये है कि वो उनका कुछ ताल्लुक था यहूदी ख़ानदान से और वो फौजी ज़रूर थे, फौजी माहिर, लेकिन दीनी रैंक के नीचे अंदर से वो इस्लाम से भागी थे। तो उन्होंने माहदे पर दस्तखत कर दिए, वो माहदा है, उस माहदे के असरात अभी पाए जाते हैं, जिसे तुर्की दस्तूर में सेकुलरिज्म को असल माना गया है कि हमारा मजहब सेकुलरिज्म। फिर आप पढ़ते हैं अखबार में कि यार तैयब अर्दोगान इलेक्शन में कामयाब हो गए लेकिन दस्तूर नहीं बदल सकते, तैयब अर्दोगान ये चाहते हैं कि ये शक निकाल दी जाए कि तुर्की का असल मजहब सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के मानने ये हैं कि मजहब नहीं रह सकता है, तो उसका इसीलिए कितनी हुकूमतें जो तुर्की में बनी उनके मजहबी रुझान की वजह से उनको गिरा दिया गया। तो ये एक मुआहदा उनसे हुआ तुर्की में, तो मुस्तफ़ा कमाल इनसे मुतासिर थे, ज़िया कौकब से, ज़िया कौकब की फिक्र उनको को उन्होंने कबूल किया, फिर मैंने उसकी तफसील बयान की कि तुर्की में क्या इकदाम किए गए मौक़िफ़ इस्लाम के लिए, जब उन्होंने यूरोप की बरतरी को तस्लीम कर लिया और उसको अपना रहनुमा और रहबर मान लिया, तो उन्होंने सबसे पहले अजान की पाबंदी लगा दी कि अरबी में अजान नहीं दी जा सकती। अरबी में अजान अभी शुरू हुई चंद साल पहले, जब पहली अजान हुई है तो लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने जानवर ज़बह किए, तो वहाँ एक इस्लामी हुकूमत जैन की हुकूमत आई थी तो उसने इजाज़त दी कि अरबी में अजान हो सकती, वरना अरबी में अजान नहीं हो सकती। लिबास लाजमी कर दिया, मगरबी लिबास ज़रूरी, जैसे हर तुर्की को आप मगरबी लिबास में देखेंगे, टोपी पर पाबंदी लगा दी, कई लोग टोपी नहीं पहन सकते। इसका एक वाक़िया है कि वहाँ एक बड़े मुजाहिद थे शेख बदीउज़्ज़मा सईद नौरिसी, उन पर किताबें हैं अरबी में, बहुत लिटरेचर है और बड़े मुजाहिदीन में से, इस असर के बड़े मुजाहिदीन में से, मुस्तफ़ा कमाल के हिदायत की उन्होंने मुखालफत शुरू की और उनका अजान ज़ोर से दो, जब उसने अजान पाबंदी लगाई उनका अजान ज़ोर से दो, जब उसने टोपी पाबंदी लगाई उनका टोपी पहने, उसने ऑर्डर दे दिया जो टोपी पहने हुए उसे गोली मार दी जाए, 700 आदमी मारे गए टोपी पहनने पर, 700 तुर्की वाक़िया है। तो ये हुआ मौक़िफ़ुल इस्तिस्लाम के, यूरोप की हर चीज़ को कबूल कर लिया, हर हुक्म को कबूल कर लिया, ज़िंदगी और सियासत तसादिया इज्तमाही ज़िंदगी हर चीज़ में यूरोप को गुस्सा मान लिया। तो यूँ हुआ मौक़िफ़ुल इस्तिस्लाम, इसकी मिसाल मौलाना दी तुर्की से, उसमें ज़िया कौकब नाम कमाल का जिक्र किया कि मुस्तफ़ा कमाल ने उसको नाफिस किया, उनके फ़िक्र को जो ज़िया कौकब ने फिक्र पेश की कि यूरोप ही को हमें मान लेना चाहिए उसवा, तो उसने हुकूमत के वसाइल के ज़रिए उस तहसीब को नाफिस कर दिया। तो इस तुर्की में अभी बहुत से ऐसे कवानीन मौजूद, मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद नहीं की जा सकती, तो कोई तनकीद कहे तो फाइन, सैकुलरिज्म के खिलाफ कोई काम नहीं किया जा सकता, किया जाए तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसमें फौज में उनके महाकिम में उसी तरह के सेकुलर लोग हैं जो मजहब मुखालिफ हैं। सेकुलरिज्म के बारे में आपको बताएं कि सेकुलरिज्म के तीन नज़रें हैं दुनिया में, सेकुलरिज्म है उसमें तीन नज़रें हैं सेकुलरिज्म। एक सेकुलरिज्म वो है जिसको लिबरल सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलरिज्म है लेकिन वो मजहब मुखालिफ नहीं, मजहब के रहेगा सेकुलरिज्म रहेगा, हुकूमत का निज़ाम सेकुलर होगा लेकिन मजहब पर पाबंदी नहीं होगी। ये हिंदुस्तान में है, जैसे आप देखते हैं कि सेकुलरिज्म क्या भी है लेकिन कितनी मजहबी तहरीकें हैं, मजहबी आज़ादी है और खुद वज़रा शरीक होते हैं, तो ये सेकुलर हैं मगर उसके साथ मजहबी भी हैं,
जिससे कि जमहूरियत जो है, जमहूर है वो मजहबी है, तो जमहूर के अतबार से अगर जमहूर किसी मजहब का मानने वाला है या अकलीत किसी मजहब की मानने वाली है तो जो अकलीत के हकूक की हिफाजत होती है जमहूरी निज़ाम में और अक्सरियत के मसाइल की हिफाजत होती है जमहूरी निज़ाम में, उस एतबार से निजी तौर पर वो चीज़ें बाकी रहेंगी। लिबरल सेकुलरिज्म, एक सेकुलरिज्म वो है जो मजहब मुखालिफ है। वो फ्रांस में एक शख्स का दौर था, उसका नज़रिया है कि सेकुलरिज्म के माने मनफी माने हैं, जो इसमें कोई मजहब का तस्वर नहीं बल्कि मजहब का वो मुखालिफ, कोई भी मजहब हो, कोई सेकुलर आदमी वही होगा जो मजहब को नहीं माने, खुदा को नहीं माने, खुदा का मुंशी मत सेकुलर है जो कम्युनिस्टों ने अख्तियार किया है, तो एक सेकुलरिज्म हुआ है। तुर्की का सेकुलरिज्म दूसरा है, तुर्की का सेकुलरिज्म इस्लाम के खिलाफ है, यह तीसरी किस्म है सेकुलरिज्म की। और मजाही के साथ उनका रवैया ठीक है, मसलन ईसाइत ठीक है, मसलन वो आया सोफिया मस्जिद को मस्जिद बना दिया था, उन्होंने एहतजाज किया ईसाइयों ने, वहाँ 10% ईसाई से भी कम ईसाई, तो उन्होंने मस्जिद को फिर वो मथब बना दिया। अब जो आया सोफिया मस्जिद थी वो मथब पर वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये सेकुलरिज्म हुआ कि ईसाइयों के मशाइल का इतना ख्याल किया उन्होंने और मुस्लिम अक्सरियत 90% मुस्लिम अक्सरियत के मशाइल को नज़रअंदाज कर दिया। ये मनफी इस्लाम, मनफी सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म तीन किस्म की दुनिया में आए। यूरोप का सेकुलरिज्म कैसा है, वो निज़ाम हुकूमत सेकुलर है लेकिन मशीन ईसाई मशीनरीज की पूरी हिम्मत अदाई करते हैं, सारी ईसाई मशीनरीज हुकूमत की सरपरस्ती में चल रही, हुकूमत के जिम्मेदारों की सरपरस्ती में चल रही, सारी दुनिया को ईसाई बनाने की बात कही जा रही और उनके यहाँ इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, तो वो उनके हकूक तहरीर के बहाने उनको इजाज़त दे रहे हैं कि सरपरस्ती कर रहे हैं, जैसे ये कार्टून वगैरह के सिस्टम सारे यूरोप में उनका कहीं हम पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन ईसाइयत पर कोई तनकीद कर दें, यहूदियत पर कोई तनकीद कर दें तो फौरन उसको सजा हो जाए। एंटी सेमिटिज्म उसको कहते हैं, मुआदात उस्सामिया, यहूदियों पे आप तनकीद नहीं कर सकते, तो फ्रांस में एक शख्स तनकीद की 5 साल की उसको सजा हो, कसम की शान गुस्ताखी हो सकती है। तो ये हुआ क्या कि यूरोप का सेकुलरिज्म ऐसा है कि ईसाइयत के बारे में तो वो अंदर से वो ईसाई हैं, ऊपर से निज़ाम हुकूमत में वो कहते हैं सेकुलर हैं, इसलिए उन्होंने बहुत से हकूक अकलीतों को दे रखे हैं, लेकिन ईसाइयत की तरवीज कर रहे हैं उसमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन तुर्की नहीं कर सकता। अगर तुर्की इस्लामियत की तरवीज में जरा भी हिस्सा लें, यहाँ तक कि इफ्तार पार्टी दी थी उन्होंने नज़मुद्दीन अर्दोगान ने, तो उनको उनके खिलाफ इल्ज़ाम लग गया कि तो मजहबी सेकुलर खराब काम किया है। ईरान चले गए तो उनका ये मुस्लिम मुल्क में क्यों गए, इसके माने ये है जिनमें मजहबी रुझान पाया जाता है। तो ये तुर्की का सेकुलरिज्म, यूरोप का वो सेकुलरिज्म है जिसमें रवादारी, इस्लाम हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म रवादारी, तो इस तरह तीन सेकुलरिज्म हो गए। तो उन्होंने सेकुलरिज्म को बुनियाद बना दिया तुर्की, अब उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं नजमुद्दीन अर्दोगान। अब उसके बाद हमारा मिसाल दी मिस्र की, मिस्र में जो सूरत हाल है उसको बयान किया है, वो बहुत तफसीली है। वो थे फारूक थे, 1952 तक फारूक की हुकूमत थी लेकिन बरतानिया को तसल्लुत हासिल था, फारूक की हुकूमत थी लेकिन हुक्म चलता था बरतानिया, उनका मुशीर था क्रोमर, क्रोमर जो था वो शख्स था कि जिसने मिस्र में खुल कर ये कहा कि हम जो मिस्र भेजा गया, तो उसने ये कहा कि हम तीन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए, एक कुरान, एक काबा, एक अजहर। ये बयान मौजूद है, किताबों में मौजूद है, उसकी सराहत, उसका बड़ा हंगामा हुआ, हंगामा हुआ तो मिस्री हुकूमत ने हंगामा करने वालों को दबा दी। रसूल की शान में गुस्ताखी की, उस पर एक शायर ने कुछ अशार भी कहे, शौकी के भी अशार, शौकी आदमी अशार मौजूद, मगर ये कि हुकूमत ने उसकी सरपरस्ती की और वो रहा और उसको फिर बहुत से एजाजात से नवाजा गया। तो मिस्र में फारूक की हुकूमत थी 1952 तक, तो वो सूरत हाल ये थी, अमली तौर पर बरतानिया का कंट्रोल था, पूरा निज़ाम तालीम बरतानिया का, निज़ाम एलान बरतानिया का, तो हुकूमत फारूक की थी। 1952 में जमाल अब्दुल नासिर आ गया, जमाल अब्दुल नासिर आए थे शुरू में, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इख्वानियों के साथ रहे और उन्होंने जो हसन बनना, इमाम हसन बनना की तकरीरें सुनी और उन्होंने तलाक जो किया तो उसी जज्बे से किया था, लेकिन आते ही कुछ अरसे के बाद फिर इख्वान के दुश्मन हो गए और उसके बाद फिर उन कई इख्वानी लीडरों को फांसी दे दी और एक ड्रामा किया जिसको हादिसतुल मंशिया कहते हैं, कि अब्दुल नासिर वहाँ इस्कंदरिया में तफरी करने खड़े हुए, उन पर गोली चली
और शोर मचा दिया कि हमारे कत्ल की कोशिश है, और फिर इल्ज़ाम लगाया कि अफवाहियों ने साजिश की है, और उसके बाद फिर चार बड़े अफवाही को इसमें अब्दुल कादिर अहदा भी थे उनको फांसी दी, और उसके बाद फिर अफवाहियों की गिरफ्तारी शुरू हुई, और अफवाहियों की गिरफ्तारी पर इस्लाम पसंदों को पकड़ना शुरू किया, और मिस्र में जो भी इस्लामी दीन का था वो ख़तरे में पड़ गया, बहुत से लोग उन्हें छोड़ कर चले गए और बहुत से लोग वो जेलों में बंद कर दिए गए। 20-20 साल तक लोग जेल में रहे, ये मुस्तफ़ा मशहूर जो मुर्शिद आम हुए थे ये 20 साल जेल में रहे, बड़े बड़े मुहंदिसीन और बड़े अतिबा और बहुत से अहले इल्म वो इस्लामी जहन के शुबे में उनको बंद कर दिया, तो मिस्र खाली हो गया अब्दुल नासिर के शुरू क्या है। शुरू में तो उन्होंने ये कार्रवाई की अफवान दुश्मनी का मुजाहरा करके दीन दुश्मनी अख्तियार कर ली, उसके बाद फिर वो 1956 में जब उन नहर सुएज को नेशनलाइज किया तो उसकी वजह से बरतानिया फ्रांस और इसराइल ने उन पर हमला कर दिया, हमले में मिस्र मुकाबला नहीं कर सकता, तीन मुल्कों का खतरा हो गया, वहाँ कब्जा हो जाएगा, रूस ने मुदाखलत की, रूस ने उनको इन लोगों को धमकी दी तीनों मुल्कों को और कहा कि 12 घंटे के दरमियान ये चल जाएँ वरना हम हमला कर देंगे लंदन पर और फ्रांस पर, बराह रास्त हमला कर देंगे, बुल्गारिया में वज़ीर आज़म थे, रूस ने उससे फ़ायदा उठाया और उससे रूस को बहुत फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा अब तक उसको पहुँच रहा है। एक तो ये कि तुर्की जो शुरती अरबा कहलाता है रूस को रोकने वाला है, तो उस वक्त तक रूस बहर अबजद मुतवसित में नहीं आ सकता था, उसके जहाज़ यहाँ दाखिल नहीं हो सकते थे तुर्की में, वो एक फॉस्फोरस छोटा सा एक मजीक है, वहाँ से रूस के जहाज़ जो हैं रूस का जो समंदर है उस समंदर से आने के लिए इस बारे अभ्यस्त में वहाँ से गुजरना पड़ता है, वो एक छोटा सा मजीक है, उसे मजीक कहते हैं स्टेट, वहाँ तुर्की है क्योंकि फौज लगी हुई है, तुर्की उसको आगे नहीं बढ़ने देता, ये सबसे बड़ी हिफाजत यूरोप की तुर्की कर रहा है, इसलिए तुर्की का ज़्यादा छुट्टी और उसकी जो खुशामद यूरोप करता रहता है उसकी बहुत सी बातों को बर्दाश्त करता है, वो उसके जाए वकूक की वजह से है जो उसको हासिल है, वो रूस को रोकने वाला है। तो इस वाक़े के बाद तुर्की का रवैया अरबों के बारे में दुश्मनी का था वो आवाम के जज्बात की वजह से हमदर्दी का हो गया, उस वक्त अरबों से बड़े ताल्लुक ख़राब थे तुर्की दुश्मनी के ताल्लुक, अरब उनको अपना दुश्मन समझते थे, तुर्की अरबों को दुश्मन समझते थे, और किताबों में आप देखें तो ऐसे लोगों किताबों में तुर्कों के खिलाफ बहुत सख्त मवाद है, यहाँ तक कुर्द अली की हजरत शाम में तुर्कों के खिलाफ रौके जैद की किताब अदब अरबी की तो उसमें तुर्कों के खिलाफ बहुत सख्त लिखा हुआ, तो अरब और तुर्क आपस में सख्त अदावत हो गई थी, वो इस इंतसार की वजह से जो खिलाफत टूटने के बाद अरब अलग हो गया तुर्की अलग हो गया उसकी वजह से, तो यहाँ से तुर्कों के जहन में अरबों की मोहब्बत जो उस वाक़े की वजह से पैदा हो गई और उन्होंने रूस से उनको हमदर्दी हो गई कि रूस की मदद की, तो इसे एक तो नुकसान ही हुआ कि तुर्की का रवैया रूस के बारे में नरम हो गया और उसके बाद रूस के जहाज़ वहाँ आने लगे, उन्होंने इजाज़त दे दी मदद की गई ताकि मदद करें उनकी, उसने तुर्की ने उनकी मदद का वादा किया, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि पूरा आलम अरबी इश्तराकी हो गया, रूस की मदद की वजह से मिस्र ने यूरोप के से अपने ताल्लुक मुनक़ते कर लिए और फिर रूस से ताल्लुक कायम कर लिए, रूस के खुबरा सारे आ गए और जो बरतानिया फ्रांस और अफ्रीका के खुबरा थे वहाँ से निकाले, रूस का निज़ाम उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, यूरोप के रासमाली ममालिक फ्रांस बरतानिया और अफ्रीका ये मुलीद नहीं है, ये सेकुलर हैं मुलीद नहीं है। रूस जो है वो इश्तराकी होने की वजह से वो इलाहाद के ऊपर उसकी बुनियाद, जैसे जो मुल्क मुसलमानों के रूस के कब्ज़े में थे सेंट्रल एशिया के सारे ममालिक अज़रबैजान तुर्कमानिस्तान ये सारे ममालिक कज़ाकिस्तान ये सब रूस ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, इनके यहाँ इलाहाद लाजिम कर दिया गया, अल्बानिया इलाहाद लाजिम हो गया, मुलीद होना लाजमी, खुदा का इनकार लाजमी, तो इश्तराकियत में खराब ये है कि वो खुला हुआ इलाहाद उसमें और मगरबी जो निज़ाम है उसमें खुला इलाहाद नहीं, उसमें इख्तियार है कि आदमी इल्मुनी नए थी मजहबी हो तो मजहबी रह सकता है, तो यहाँ से 1956 से इश्तराकियों का तसल्लुत हो गया, मिस्र ने इश्तराकियों से पूरा ताउन हासिल किया रूस से और अपना पूरा निज़ाम बदल लिया, उसके बाद ये इश्तराकी काबिज़ हो गया, मिस्र के बाद फिर शाम में इनकलाब हो गया, शाम में जो इनकलाब हुआ वहाँ भी इश्तराकियत आ गई,
और उनके यहाँ इशराकियत के साथ बास पार्टी आ गई। बास पार्टी जो है वो कौमी तरबिया का उसका फलसफा है, वो भी खालिश इलाहदी फलसफा है। आप उसमें अरब और इस्लाम में का पढ़ें, तत मौलाना ने कौमी तरबिया को तफसील से फैज किए और लिखा है उसमें वजाहत की है कौमी तरबिया की मुखालफत हम क्यों करते हैं। उनका उनके अकतबास जिन्हें शेर अफलक वगैरह के अकतबास दिए हैं कि वो मजहब के कायल नहीं। ये फ्रांस में जो लोग गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ से उनका कौमियत से वो लेकर आए, तो वो कौमियत उनकी कौमियत की बुनियाद पर है। उसमें यह है कि कोई किसी मजहब को मानने वाला हो उस कौम में अगर है तो बराबर मसीही हो यहूदी हो मुसलमानों को फर्क नहीं किया। तो ये बहुत ख़तरनाक फलसफा है जो बास पार्टी ने अख्तियार किया। तो शाम और इराक में इनकलाब आया और इंकलाब के साथ इश्तराकियत आई और फिर बास पार्टी की हुकूमत कायम हुई। इसको मौलाना तफसील से बयान किया बास पार्टी के क्या नज़रियात अफकार हैं, इश्तराकियत के क्या नज़रियात हैं, इश्तराकियत के आने से क्या नुकसान पहुँचा, क्या इकदाम किए गए। ये मुल्क सब इश्तराकी हो, अब इश्तराकियत को गलबा हासिल हो गया पूरे इन तरक्की पसंद हमारी। अलजायर में जब इनकलाब हुआ तो आज़ाद हुआ अलजायर, तो अलजायर में भी इश्तराकियत को अपना दस्तूर की बुनियाद करार दिया गया। अलजायर जो है अरब इश्तराकी और मुस्लिम, उसके बाद जो उन्होंने मुस्लिम गलत निकाल दिया, इश्तराकी रह गया अरबी रह गया। तो इसमें अलजायर इश्तराकी हो गया, लीबिया इश्तराकी हो गया, ये सब रूस के उसमें चले गए असर में। ये पूरा यमन इश्तराकी हो गया, यमन मिस्र शाम मेरा लीबिया और उसके बाद ये अलजायर, ये खालिश इश्तराकी अपनी इश्तराकी, मामूर कज़ा की अपनी इश्तराकी, बशार अल असद अपनी इश्तराकी, इश्तराकी हैं और बासी हैं। इराक में और शाम में इश्तराकियत आई और बास पार्टी को इख्तदार हासिल हो गया, कौमी तरबिया को अख्तियार कर लिया इस्लाम के बजाय। ये तफसील मौलाना ने लिखी है, यह मौक़िफ़े सानी है। तो ये मौक़िफ़े सानी हुआ, इसकी तफसील है किताब में, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस तारुफ के मुख्तसर तारुफ की रोशनी में किताब ज़्यादा समझ में आएगी। यह है मौक़िफ़े सानी, मौक़िफ़े इस्तिस्लाम। और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि हर महाद नाकामी हुई। और एक मगरबी मुस्तफ़िर ने ये लिखा है कि इसी तजुर्बे के बुनियाद पर, उसकी नाकामी के बुनियाद पर इस्लामी बेदारी पैदा हुई। ये एक सवाल है कि इस वक्त इस्लामी बेदारी जो पाई जा रही है सारी दुनिया में, जो हकीकत है तो यूरोप तस्लीम कर रहा है, उसकी वजह से यूरोप में जुनून पैदा हो गया, हिस्टेरिया इस्लाम के खिलाफ, वो इस्लाम को उसने खतर अकबर करार दिया, वो इस्लामी बेदारी पैदा हुई। ये इस्लामी बेदारी जो पैदा हुई ये इस निज़ाम की नाकामी की वजह से पैदा हुई। जो निज़ाम गैर इस्लामी निज़ाम राइज किया गया और उसमें फिर जो नाकामी हुई, जो सबसे बड़ी नाकामी हुई 1967 में इसराइल के मुकाबले में, जो मिस्र को शिकस्त हुई, मिस्र शाम इराक तीनों मुल्कों को शिकस्त हुई, 4 घंटे में इसराइल ने तीनों मुल्कों को नाकाम बना दिया, बेकार कर दिया, हवा एक दिन के तबाह कर दिया और मिस्र की फौज वापस चली। और उसके बाद उर्दुन को शिकस्त हो गई और क़िबला उला जो है बैतुल मक़दिस इसराइल के कब्ज़े में चला गया। 1967 में जो बड़ी नाकामी इन सौ ये जो थे इश्तराकी और बासी क़यादत को हुई, उसके नतीजे में बेदारी पैदा हुई। ये उसने स्मृति लिखा है अपनी किताब में कि इस्लामी बेदारी की बुनियाद यहाँ पड़ी। ये जो इस्लाम दुश्मन ताकतें थी, इनको जो रसवाई हुई, नाकामी हुई अपने मकासद के उसूल में, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन पैदा हुआ। अब वो रिएक्शन पैदा हो गया, ऐसा कवि रिएक्शन कभी लोग मुँह छिपाने का कभी नहीं रहे। तो उसकी वजह से इस्लामी बेदारी वहाँ पैदा हुई, तो फिर पूरे आलम में वो फैल गई। यह उसने एक बात लिखी है कि 1967 में शिकस्त जो हुई, उसकी वजह से लोगों ने देखा कि ये जो बहुत दावे करते थे और इस तरह इस्लाम पसंद